गया बेडफोर्ड ऑटोड्रोम सर्किट। हम एंटर हो रहे हैं इसकी बाउंड्री में। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। कोशिश ये होगी कि गैरेज मिल जाए जाते ही, नहीं मिला तो हमें बाहर बैठना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम है, यानी कि बाहर इलेक्ट्रिक नहीं होती है। ऑन टाइम है, 7:30 बजे इनकी गेट्स खुलते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं आया और लेट भी नहीं हुआ, तो लेट्स सी। ये आगे एंटर हो रहे हैं हम ऑटोड्रोम में। सूरज की किरणें कैमरे पे आ रही है। सुबह सुबह का टाइम है, खूबसूरत सूरज की किरणें कैमरे पे आ रही हैं। बाइक पीछे ट्रेलर पे टेढ़ी भी हुई है, नहीं दिख रही इधर से, बट स्टिल जाम है। ये आ गया बेडफोर्ड ऑटोड्रोम, बेडफोर्ड टेलीपोर्ट। आपने लेफ्ट ही लेना है, सामने गेट तो बंद है। लेफ्ट ही लेना है क्योंकि गेट बंद है। बड़ा सर्किट है बहुत ही, 4.7 माइल का। अच्छा, और वो कितना कहता? 3 माइल। लेकिन इसमें 4.7 माइल पूरा नहीं, तो आप फिर भी आपको लैप्स के हिसाब से मिलेगा कि आपको टाइम के हिसाब से मिलेगा? लैप्स हमें 20 मिनट्स मिलेगा। टाइम मिलेगा आपको 20 एवरी आवर। जगह वैसे खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, उससे अच्छी है ना? हाँ। बस एंटर होने वाले हैं, गेट है, यहाँ पे मार्शल्स खड़े हैं, सिक्योरिटी इनकी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लगता है फुली बुक है आज। क्यू में तकरीबन 15 मिनट से खड़े हैं हम। आगे पीछे सब वैन्स, गाड़ियाँ, ट्रेलर्स फुल है। हेलो, हेलो माय फ्रेंड, यू बीन हियर बिफोर, हैवंट यू? First time, yeah? What group are you in? Novice. You're in the novice group, yeah? Okay, go straight on. Okay, helipad area is where you unload, up to the pits to sign on, and then get yourself noise tested, okay? All right, thank you. All right, okay, so, straight on there, yeah? Through those two bad blue barriers. Okay, thank you. इधर ही जाना है ना, बस फिर कहते हैं कि इधर पार्क करो ना, और उधर रजिस्ट्रेशन कर दो, क्या है? ये गैरेज है ना? कम थोड़े से गैरेज थे। ये ग्रुप ग्रुप वाइज मेरे ख्याल में इन्होंने वो दिए गैरेज वगैरह दिए हैं। पूछो उनसे। गाय नहीं खोलते कुर्बानी के लिए।
चलेंगे नॉइस टेस्ट के लिए वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करवानी है और नॉइस टेस्ट करना है। तो आप कोई कपड़ा या टिश्यू वो ले लो, वो साफ करो। ये साफ करो पहले, वहाँ से कुछ लाना पड़ेगा कपड़ा वगैरह, माइक्रोफाइबर को उससे मैं क्लीन कर दूंगा। अब इसके बाद फ्यूल डाल लिया, इसके बाद जाएंगे नॉइज टेस्ट करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और गियर अप होंगे, फिर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। तो सी यू इन अ बिट। बाइक को पार्क कर दिया, अनलोड करके पार्क कर दिया और ये हमें गैरेज मिला जो कि नोविस राइडर्स के लिए, नोविस यानी कि बिगिनर राइडर्स के लिए ये एरिया इन्होंने मुख्तस किया हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 7-8 बाइक यहाँ पे पार्क हैं और सारे इस वक्त नॉइस टेस्ट करवाने गए हैं। और ये फैसिलिटी है, थोड़ा सा 360 कर लें तो फैसिलिटी नज़र आ जाएगी। जैसे आज की स्नेटरटन वो वाला सर्किट जहाँ पर इससे पहले गए थे, वहाँ पे सारे 26 कैरेजेस जो थे वो एक ही रो में थे और एडवांस इंटरमीडिएट और नोविस यानी कि बिगिनर राइडर सब एक ही कैरेजेस में पार्क थी उनकी बाइक्स, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट एडवांस और नोविस का एरिया अलग किया हुआ है। ये गैरेज है जो कि नोविस राइडर्स के लिए, जितने भी नोविस राइडर्स हैं वो यहाँ पर इस पार्किंग में अपनी बाइक्स पार्क करेंगे और अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और बाइक को इस गैरेज के अंदर जो सामने इसमें पार्क करेंगे। ये कैफेटेरिया है यहाँ का, इसके अंदर फैसिलिटीज हैं लाइक कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। अभी तो ये क्लोज है, अंदर आए अंदर दिखा दें। ये फैसिलिटी है यहाँ पर, कॉफ़ी मशीन ऑर्डर रखी है, ये रिसेप्शन है और ये कुछ टेबल्स वगैरह है नोविस राइडर्स के लिए, ये एरिया है जहाँ पर वो अपनी ब्रेक गुजार सकते हैं, अपना लंच कर सकते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने टॉयलेट्स बनाए हैं, इधर वेलफेयर फैसिलिटीज, छोटे से एरिया, मतलब इनका कैफेटेरिया मेन जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है वो तो दूसरी साइड पर है, इनका जो कैफेटेरिया है मेन वो दूसरी साइड पर है, लेकिन अगर किसी को फॉरन गैरेज से यहाँ पर आना है, मतलब कोई फैसिलिटी यूज़ करनी है, टेबल यूज़ करनी है, फिर लंच करना है या फिर कॉफ़ी लेनी है, तो वो नेक्स्ट डोर बिल्कुल ही गैरेज के साथ ये जगह यहाँ पर आकर अवेल कर सकता है। तो जैसा